शगा फरमाने के लिए आगे बस वाज अल्फाज में इर्शाद फरमाते हैं कार खुद मगीर घर मगीच बाशदर स्तन शेरों हजरात ममासलत दो किस्म की है एक लफ्जी ममासिलत है एक जिस्मी ममासिलत है एक इल्मी ममासिलत है साफ में ये तब्दीली आती है तो फरमाते हैं कि कारे रा खुद मगीर कार तो तेरी जुरत पर मुझे हैरत हो रही है कि है तू जानवर और इंसान को अपनी तरह समझ रहा है आगे जाके फरमाते हैं, ए ना पाको पाक बाजों को अपनी तरह समझती हो ना पाको पाक बाजू को अपनी तरह समझती हो मैं तुम्हें मैं तुम्हें मशरा देता हूं कार, कि पाक रहा क्या सज खुद मगीर तुमने अपनी तरह के नेक लोग देखे रोटी नवाला तोड़ते हैं खाते हैं चबाते हैं और तुम भी नवाला तोड़ते हो मुंह में डालते हो चबाते हो हलक से उतारते हो उसको खाता हुआ देखकर अपनी जात पर क्यास करने लगे हो कि ये भी खाता है मैं भी खाता हूँ ये भी रोटी खाता है मैं भी रोटी खाता हूँ इसकी भी आंखें दो हैं मेरी भी आंखें दो हैं इसका भी नाक है इसके भी पांच उंगलियाँ और हाथ हैं इस ज़ाहरी ममासिलत को अपनी तरह मत समझो अगर यही समझते हो तो फरमाते गरज बाश दर नश्तन शेर व शेर में ममासिलत फिर बताऊँ कि लफ्ज शेर और लफ्ज शेर यह ममासिलत कैसी है लफ्जी ममासिलत के शीन ये रे इधर भी है शीन ये रे उधर भी है ये शेर और शेर दोनों एक जैसे हैं तो इस लफ्जी में मासिलत के मुताबिक आप कहना तैयार आप कहना चाहोगे कि शेर और शेर ये दोनों एक हैं अगर ये लफ्जी ममालत ममासिलत की बिना पर यह दो मतज़ा जिनसे एक नहीं हो सकती तो ज़ाहिर पर क्यास करके दो मतज़ाद मकाम पर रहने वालों को एक मकाम का मकीन समझना क्या तुम जानवर नहीं हो क्या ये तेरी हरकत तेरी सोच तेरा ये ये अंदाजे पिंदार क्या ये जानवरों वाला नहीं है तुम तो जानवर हो और फरमाते हैं कि अगर फिर भी नहीं समझे तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि शेर तो वो होता है कि जो फाड़ता है चीरता है खाता है हड्डियाँ तोड़ देता है और शेर वो होता है जो इंसान को राहत पहुंचाता है क्या राहत पहुंचाने वाले और चीर फाड़ के खाने वाले दोनों एक होते हैं नहीं तो क्या आला मंजिलों वालों को रजीलों में शामिल करना उन कामिलों को रजीलों में शामिल करने वाले क्या तुम भी उन जानवर की तरह नहीं हो कि अपनी रजालत के अपनी रज़ालत की आँखों से तुम उन कामिलों को अपने जैसा समझ रहे हो इसलिए फरमाया जुमला आलम जी सबब गुमराह कम कसे ज़िबदाल हक आगा शुद ये लोग जो पाकबाज हैं ये लिबास कलाम उठना बैठना चलना फिर फिरना खाना पीना सोना जागना बोलना बुलवाना सुनना सुनाना बैठना लेटना उठना ये भी तो तुम्हारी तरह तुम में रहते हैं लेकिन फ़र्क कितना है फर्क फर्क कितना है फर्क कितना मैं बताता हूं जिनाब रूमी फरमाते हैं, मैं बताता हूं उठाओ तराजू उठाओ तराजू एक तरफ हीरे रखो और उसको तोलने के लिए दूसरी तरफ पत्थर रखो सामी ने के नाम अब तो फरमाए तराजू एक तरफ हीरा रखो और दूसरी तरफ तोलने के लिए जिसको तोला जाता है वो जिनस दूसरी होती है एक जिन्स की दो चीज़ें नहीं दो दो चीज़ें नहीं तोली जाती गंदम तोलते हो तो जिन्स और हो, हो, होगी वजन वाली जिससे तुम गंदम का वजन करोगे रुई तोलते हो तो वजन के हिसाब करने के लिए कोई जिन्स और होगी तो हम हीरा तोलते हैं तराजू पर हीरा रखते हैं सोना जब तोलते हैं तो मुकाबले में सोना नहीं रखा जाता कुछ और ए, कुछ उसके पैमाने होते हैं और इस तरह जब हीरा तोला जाए तो दूसरी तरफ पत्थर रखते हैं और जब दोनों बराबर हों तो छोड़ दे तो वह पत्थर कह के हम दोनों एक हैं चूंकि वजन दोनों का बराबर है बात समझे हजरात अगर वो पत्थर ये कहे कि हम दोनों एक हैं हमारा मैार और मकाम एक है इसलिए जब हम तुल रहे थे तो वजन दोनों का बराबर था तो जवाब देने वाले ये जवाब देते हैं कि तुमने उसकी ज़ाहरी सूरत को देखा है हम माहियत देखते हैं तुम सूरत देखते हो हम हकीकत देखते हैं तुम जाहिर बीन हो हम हकीकत बीन हैं वो हीरा है और तुम रेत का जर्रा हो तुम कीमत में तुम कीमत में जवाल पजीर हो और वो अजमत में दायमी कमाल का मालिक है लिहाजा बराबर तुलने के जरिए तुम एक नहीं हुए तो इसीलिए फरमाया जुमला आलम जी सबब गुमराह शुद्ध कम कस कम कसे जिपदाले हक आगा शुद लेकिन आगे जाके फरमाते हैं